गुड मॉर्निंग क्लास फोर. क्लास फोर आज आपके साइंस का टॉपिक है, फिर से रिवीजन है और जो चैप्टर फोर का क्वेश्चन आंसर है वो रिवीजन है आज आपका. मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स थोड़े एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए और अपने एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो और अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से लर्न करो और जब एग्ज़ाम होगा तो उस दिन एग्ज़ाम देना अच्छे से और उसके लिए ऑल द बेस्ट. और आपको पता है आपका एग्ज़ाम डेट क्या है, 28 इज़ योर एग्ज़ाम डेट विच इज़ टू डेज after this day, so be prepared. Let's start. What do you understand by incubation? Incubation से आप क्या समझते हैं? Incubation वो process होता है जहाँ birds अपने egg पर बैठते हैं उसको गर्माहट देने के लिए, ताकि वो उसी गर्माहट से वो egg जो है hatch हो जाए और उसमें से छोटी छोटी जो birds के बच्चे हैं वो निकल सके. तो बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स एग पे बैठ के उसे गर्माहट देते हैं, उसे अपनी केयर देते हैं, अपना लव अफेक्शन देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी उसमें से बर्ड्स के बच्चे निकल सके हैच होके. इसी प्रोसेस को इंक्यूबेशन बोलते हैं. ठीक है, इंक्यूबेशन इज द प्रोसेस इन विच बर्ड सेट ऑन द एग्स. डिस्क्राइब वन सिमिलैरिटी. एक सिमिलैरिटी मतलब एक ऐसा फंक्शन या ऐसा क्या नाम है नेचर जो सी हॉर्स और कंगारू को सिमिलर बनाता है वो क्या है, कि दोनों ही अपने बच्चों को अपने पाउच में कैरी करते हैं. उनके पास एक उनके स्टमक जैसा हमारा स्टमक एरिया होता है उधर एक पाउच जैसा होता है, उधर वो अपने बच्चों को कैरी करते हैं. ठीक है, अब कंगारू एक मैमल है तो कंगारू का बच्चा हो गया एक छोटा सा यंग कंगारू, बट सी हॉर्स का बच्चा हो गया उसके एग्स. ठीक है, सी हॉर्स जो है वो एग्स देती है तो एग्स वो कैरी करती है पाउच में, और कंगारू मैमल है तो वो एक यंग वन देता है, एक बच्चा देता है तो वो उसे कैरी करता है. ठीक है, बट डिफरेंस सिमिलैरिटी ये है कि दोनों अपने पाउच में अपने बच्चों को कैरी करते हैं. ठीक है, डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच. कॉकरोच का लाइफ साइकिल यहाँ पे डिस्कस करना है. तो कॉकरोच जो तीन स्टेज से गुजरता है, ठीक है, वो तीन स्टेज होते हैं. एग्स होता है, निम्फ होता है, निम्फ एडल्ट में बदल जाते हैं, दैट्स इट. तो कॉकरोच जो होते हैं वो एग्स देते हैं, फिर छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं, छोटे छोटे निम्फ्स जैसे होते हैं, फिर निम्फ अपनी आउटर कवरिंग शेड करते हैं और फिर वो एडल्ट में टर्न हो जाते हैं. ठीक है, यही है कॉकरोच का लाइफ साइकिल. ठीक है, हाउ डज अ मैमल टेक केयर ऑफ द यंग वंस. वो मदर जो होती है, जैसे हमारी मम्मी हम लोग ह्यूमन भी एक मैमल होता है, ये आपको पता होना चाहिए. एक ह्यूमन भी मैमल होता है क्योंकि वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो जैसे हमारी मम्मी हमारा केयर करती है, हमें पैदा करती हैं, हमें बड़ा करती हैं, हमें खाना खिलाती हैं, हमें पूरा एकदम केयर करती है हमारी, वैसे ही बर्ड्स एनिमल्स में भी मैमल्स जो होते हैं वो ऐसे ही टेक केयर करते हैं, कि वो उन्हें खिलाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सिखाते हैं. कुछ मैमल्स क्या होते हैं, हंट करते हैं, ठीक है, वो शिकार करके खाना खाते हैं. तो जैसे लायन हो गया, सो लायन क्या करता है, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये लोग क्या है, अपने बच्चों को पूरा ट्रेनिंग देते हैं, पूरा दे गिव ट्रेनिंग टू देम कि कैसे हंट किया जाता है. तो बच्चों को सिखाते, जब वो छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि किसी शिकार को शिकार कैसे किया जाता है, क्योंकि उनका खाना ही वो होता है, वो खाते ही वो है कि वो शिकार करके खाते हैं, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाते जो लेफ्ट ओवर होता है, वो खुद का शिकार करते खुद खाते हैं. ठीक है, तो ये जो मैमल्स होते हैं ये अपने बच्चों को शुरू शुरू में यही सिखाते हैं कि कैसे शिकार, क्योंकि बड़े होते होते बच्चों के पास मम्मी पापा शायद नहीं रहे या वो कभी अकेले कहीं जाएँ तो वो सीख सके कि वो उनको दुश्मनों से बचना कैसे है, दुश्मनों को मारना कैसे, ये सब सिखाया जाता है. ठीक है, सो फॉर टुडे योर क्लास इज ओवर. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड. थैंक यू क्लास.